भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दुखद निधन पर श्री ब्राह्मण सभा पठानकोट श्रद्धा सुमन भेंट करती है। और अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आजाद शत्रु थे, उनका कोई शत्रु नहीं था और वो एक ऐसे ही सर्वप्रिय नेता थे जो सभी राजनीतिक पार्टियां आज उनके जाने से अत्यंत दुखी हैं। भारत का जन जन दुखी है और उसी के साथ संसार में जो उन्होंने कीर्ति पैदा की वो आज इस बात की साक्षी है कि पूरे विश्व ने, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अखबारों में एक सुर्खियाँ दी गई कि वाजपेयी जी के जाने से जहाँ हिंदुस्तान को क्षति हुई है, भारत को क्षति हुई है, उनको इसके साथ ही पाकिस्तान के आमजन ने भी ये महसूस किया है कि एक वही व्यक्ति था जो दोनों मुल्कों में चल रहे गतिरोध को दूर कर सकता था। यही उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी काबिलियत थी। और जहाँ तक भारत की राजनीति की बात है, उन्होंने भारत की राजनीति में बहुत बड़े आयाम स्थापित किए और जो आज की जो कटुता है राजनीति में, उन्होंने अपने समय में कभी भी राजनीति में कटुता नहीं पैदा होने दी। ये उनके उनमें एक बहुत बड़ा गुण था और आज हम सब उनके निधन से दुखी हैं और उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। वाजपेयी जी के निधन के नाल पूरे भारतवर्ष में एक शून्य पैदा हो गया। वो एक ऐसी शख्सियत ही जिदे बारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी नवाज शरीफ ने कहा सी कि अगर ये पाकिस्तान च भी इलेक्शन लड़न तो उतों जीत सकते हैं। वो बंदा एक ऐसी शख्सियत सी भाई पूरी दुनिया अज उन्होंने अंतिम यात्रा के उमड़ के सारा देश आ गया, सारे जगह के मुख्यमंत्री आ गए हैं, सब जगह के आदमी उन्होंने श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। जिते देश में कुछ क्षति हुई है, अभी ब्राह्मण समाज भी महसूस करते हैं कि एक बहुत अच्छे वक्ता सी और ब्राह्मण सी और हिंदू मंदे छवि रखते सी, और जिते हिंदुओं को नुकसान होया, ब्राह्मण नुकसान होया और पूरे देश को नुकसान होया, ये नुकसान जो है ये पूरा होने वाला नहीं।